नमस्कार, एटीएन सिटी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल में उठापटक शुरू हो चुका है। सीटों के बंटवारे को लेकर भी अभी राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा हुआ है। आज हम पहुंचे हुए 192 विधानसभा क्षेत्र संदेश के बाजार में। यहाँ के लोगों का क्या है राय और कौन होना चाहिए यहाँ का अगला विधायक और किसे मुख्यमंत्री के रूप में लोग यहाँ देखना चाहते हैं, तो आइए बात करते हैं कुछ दुकानदारों से यहाँ संदेश में। किसको आप विधायक रूप में देखना चाहते हैं? श्वेता सिंह के देखना चाहते हैं। आखिर क्यों श्वेता सिंह को? और यहाँ हम वो नज़दीकी आए, अपने क्षेत्र के हैं यहाँ का, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्वेता सिंह। भारतीय जनता पार्टी के अतिथि। क्या लगता है श्वेता सिंह विकास करेंगे? हाँ, विकास तो करेंगे, कह नहीं करेंगे। यानी पहले जो विकास हुआ तो उससे आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। यानी इस बार श्वेता सिंह के हम लोग को। क्या नाम आपका? गुप्तेश्वर लाल। किस चीज़ का दुकान है आपका? किराना दुकान है। तो ये एक किराना दुकानदार जो हैं, इनसे जब हमने बात किया तो इन्होंने कहा कि यहाँ बदलाव चाहिए और यहाँ के जो स्थानीय विधायक उनसे ये परिवर्तन होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इनका कहना है कि इन्हें श्वेता सिंह को अपना बहुमत देना है। और भी लोग हैं, आप कुछ कहिएगा बाबा, कौन किसको विधायक देखना चाहते हैं? कहा भी कहा जाओ कुछ है। यदि मिलता है सीट तो किसको आप यहाँ के विधायक के रूप में देखेंगे? विधायक तो हमने के रोहन लसाढ़े ही बोलू। अब किसको देखना चाहते हैं? अब तो नावे लिखी जा जाना तो वहीं तक का कर सके ले जाए। यानी आपको नाम भी पता नहीं है कौन लोग कौन चुनाव लड़ते हैं? जी ना, नहीं के पता। कहाँ कराने वाले हैं? ये सिरकी चौक। तो देखिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यहाँ ये भी पता नहीं है कि कौन यहाँ उम्मीदवार है, क्योंकि जिस तरीके से अभी समय काफ़ी कम रह चुका है। और एक यहाँ देखिए, जो भूजा चना वना बेचते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और कई राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं चुनाव, और इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से इनका क्या है राय। हम लोग भाजपा से श्वेता सिंह चाहिए यहाँ। तो भाजपा में श्वेता सिंह को आप लोग चाहते हैं यहाँ पर, क्यों आखिर श्वेता सिंह को आप चाहते हैं? अब क्या बोले, बतलाइए। मतलब कि आपको लगता है कि वो विकास करेंगे? विकास करे चाहे ना करे उस मतलब नहीं है, चेंज होना चाहिए, यानी परिवर्तन होना चाहिए। यानी इस बार बीजेपी की तरफ से। क्या नाम आपका? मुन्ना सोने। बाजार में पहुंचे हैं, बाजार में अब ये चाय की दुकान पर पहुंचे हैं। चाय की दुकान पर जो पहुंचे, आप देख सकते हैं कि ये जो है लोग कई विधानसभा लोकसभा में मतदान कर चुके होंगे, कई नेताओं के दौर को बदलते हुए देखा होगा, कई परिवर्तन भी देखे होंगे। आइए अब इनसे भी हम बारी बारी से पूछते हैं कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में संदेश विधानसभा क्षेत्र में क्या परिवर्तन चाहते हैं और बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर किसे वो देखना चाहते हैं। अब बताया जाए, आप लोग इस बार विधानसभा चुनाव में क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं बीजेपी का वोट देना। तो बीजेपी कहाँ से? संदेश से। संदेश से। आखिर क्यों? बीजेपी अच्छा पार्टी है, उसका विधान अच्छा है, उसका जो पहले की विधायक थे वो उन्होंने विकास ना नहीं किया? विकास नहीं किए हैं। क्यों ऐसा लगता है कि उन्होंने विकास नहीं किया? और क्यों बताया कि क्यों नहीं विकास है? विकास हुए नहीं किया तो क्यों बताए? यानी आप चाहते परिवर्तन? परिवर्तन चाहते हैं और श्वेता सिंह को चाहते हैं यहाँ से विधानसभा से लड़ने का सीट। अच्छा, जो मुख्यमंत्री आप किसे इस बार चाहते हैं बिहार में? बिहार में मुख्यमंत्री बदल जाते तो अच्छा था। यानी मुख्यमंत्री का बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए। क्या नाम है आपका? चंद्र नारायण तिवारी। देखिए, तिवारी जी ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री का बदलाव होना चाहिए और संदेश विधानसभा क्षेत्र में भी बदलाव होना चाहिए, और बीजेपी की जो श्वेता सिंह है उन्हें यहाँ से उम्मीदवार के तौर पर लोग अपने आप को माने कि उन्हें। हाँ बाबा, बताया जाए क्या लगता है इतने समय में क्या परिवर्तन हुआ राजनीतिक में? देखिए, यहाँ परिवर्तन की यही सवाल है कि हम लोग एनडीए के समर्थक हैं, एनडीए में समर्थक हैं, अब एनडीए के भाजपा का समर्थक। हम लोग श्वेता सिंह को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री के बारे में जो पूछ रहे हैं आप सभी से, तो मुख्यमंत्री के बारे में बदलाव हो या न हो, कोई संदेश विधानसभा क्षेत्र में हाँ बदलाव चाहते हैं आप? नहीं, श्वेता सिंह को चाहते हैं पुनः उम्मीदवार के तौर पर, श्वेता सिंह को। जी। तो क्या लगता है श्वेता सिंह के आने से यहाँ विकास? हाँ, आशा तो है, ऐसा आस जग रहा है कि वो आएंगे तो हमारे क्षेत्र के विकास हो सकता है। क्या नाम है आपका? हरि नारायण सिंह। तो देखा आपने, एक और बुजुर्ग थे जिन्होंने बताया। और आइए हम एक और बुजुर्ग से, बाबा चुनाव है कुछ कहेंगे? मिजाज ठीक नहीं है। अच्छा, मिजाज ठीक नहीं है,
अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, आइए आपसे एक और शख्स पूछते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? हम लोग श्वेता सिंह को जानते हैं, उसके बाद में किसी को नहीं जानते। तो क्या श्वेता सिंह को ही आपको लोग वोट करेंगे? जी। अब मुख्यमंत्री तौर पर किसे देखते हैं आप लोग? हम लोग मुख्यमंत्री इनको वो जो है क्या परिवर्तन चाहते हैं जी मुख्यमंत्री के में? जी। संदेश विधानसभा क्षेत्र से किसे? श्वेता से। क्यों? इसलिए कि विकसित आदमी है, विकसित विकास चाहते हैं क्षेत्र के। क्या नाम आपका? राममोहन सिंह। तो ये देखा आपने हम चाय दुकान में, आपको कुछ कहना है? हाँ बताइए क्या चाहते हैं? हाँ हमें श्वेता सिंह को चाहते हैं, क्योंकि उनके बारे में हमारा जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक ले अच्छा है, उनका छवि भी अच्छा है, और भाजपा का जो सरकार है अभी फिलहाल में है, इनके राज्य में हम बहुत परिवर्तन देखे, बहुत मदद की है। तो क्या लगता है कि इस बार जो उम्मीदवार के तौर पर आप किसे यहाँ के श्वेता सिंह को सर मंत्री में मुख्यमंत्री का सर परिवर्तन होगा सर, वो भी अच्छा चाहते हैं। मुख्यमंत्री का भी सत्ता परिवर्तन है नीतीश कुमार का? जी सर। जी सर। क्या नाम आपका? हरिंद्रन तिवारी सर मेरा नाम है सर। संदेशी का सर बगल में है सर, चेला गांव, वहां का सर हम निवास। संदेश विधानसभा क्षेत्र से कई लोग उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता श्वेता सिंह के तौर पर देखा जा रहा है। अभी देखिए यहाँ चाय उबल रहा है और चचा यहाँ चाय बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चाय पर चर्चा प्रधानमंत्री कई बार करते हैं, और चाय की दुकान पर राजनीति की बात ना हो ये हो ही नहीं सकता है। तो आइए हम बात करते हैं चाय बनाने वाला शख्स से कि उनके पास किस तरीके के लोगों का रुझान आ रहा है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत तरीके की बातें होता होगा, लेकिन संदेश विधानसभा चुनाव पर क्या इनका है राय ये भी हम इनसे पूछेंगे। बताया जाए बाबा, हम क्या इस मैटर में बता सकते हैं सर? हम तो यही सुनते हैं कि जिसका छवि अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा, उसका यहाँ आदमी समर्थन करेगा, और विशेष तो हम लोग कुछ नहीं बताते हैं। यानी परिवर्तन यहाँ जो विधानसभा चुनाव है, कई लोग परिवर्तन होना चाहिए, होना परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जिसका छवि अच्छा होगा उसी को हम लोग वोट देंगे, बेछवि वाला को वोट हम लोग नहीं देंगे। इस बार किसे लगता है कि आप लोग जो अच्छा हम लोग के देखने में आएगा उसी को हम लोग वोट देंगे? यानी जो अच्छा साफ छवि, कुछ नहीं कह पाएंगे कि वो अच्छा है कौन नहीं, अभी तक अभी नहीं किया है कोई, अभी कोई आएगा तब तो हम लोग जानेंगे कि किसका छवि अच्छा है किसका नहीं है। जो हाँ विकास जो करेगा उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग वोट देंगे। चलिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्णा जी है। तो ये है कृष्णा जी, चाय पर दुकान है इनका, चाय बेचते हैं। इनका कहना साफ है कि कोई भी दल हो साफ छवि का होना चाहिए, विकास की बातें करे। वो शख्स को ये चाहते हैं कि जीत कर है, किसी भी राजनीतिक दल का इन्होंने बात नहीं किया, कोई भी पार्टी पर इन्होंने कटाक्ष नहीं किया, बस उनका एक ही कहना है कि परिवर्तन हो, विकास हो, क्योंकि क्षेत्र में जिस प्रकार से बेरोजगारी की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। लेकिन इन्होंने ये बात कहा क्योंकि इनके अंदर कई बातों का टीस है कि सत्ता तो अंग्रेजों ने परिवर्तन हुआ, लेकिन देश के नेताओं ने और बिहार के राजनीति में हो रहे लगातार परिवर्तन के बाद भी बिहार का नक्शा और स्वरूप नहीं बदल रहा है। तो संदेश के बाजार में इस समय हम भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से उनकी राय जान रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में संदेश का कौन व्यक्ति यहाँ का विधायक के रूप में वो पसंद करते हैं, और मुख्यमंत्री के पद पर किसे वो देखना चाहते हैं, परिवर्तन भी चाहते हैं। तो आइए हम एक कपड़ा दुकानदार हैं उनसे जो है बात हम करेंगे कि क्या परिवर्तन चाहते हैं संदेश विधानसभा क्षेत्र में। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुश्ताक आलम हुआ जी। मैं श्वेता सिंह को ज़्यादा मैंने, श्वेता सिंह को क्यों? इसलिए कि मेरे क्षेत्र के हैं और हमेशा इधर घूमती हैं, हम लोग का विचार सही रहता है। लोग उम्मीदवार हैं जी, श्वेता सिंह क्यों? हमारे लिए वही अच्छा है। आपको लगता है कि वो परिवर्तन करें? जी जी जी। जिस प्रकार से संदेश विधानसभा क्षेत्र में आपने देखा होगा कि यहाँ कई ऐसे ऐसे घटनाएं होती हैं, तो इस बार क्या परिवर्तन होगा? जी जी, जरूर होगा। यानी सत्ता परिवर्तन इस बार करना? जी जी जी। तो श्वेता सिंह को आप लोग? जी, हम श्वेता सिंह को चाहते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं इस बार? तो अभी तो नहीं कह सकते। यानी आपको एक अनुमान जो आपको लगे कि कौन होना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री? तो नीतीश कुमार सही हैं अभी। यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, अभी संदेश विधानसभा क्षेत्र के लिए श्वेता सिंह। तो क्या नाम बताया आपने? मुश्ताक आलम।
तो ये थे मुश्ताक आलम जी, जिन्होंने कहा कि संदेश विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे यदि कोई यहाँ उचित जो विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, वे श्वेता सिंह हैं। और कोई बताना चाहेगा, क्या कहेंगे बताइए। क्या जी बोले, क्या बोल रहे हैं? विधानसभा चुनाव नजदीक है जी, मंत्री और विधायकों का ये मेरा जी, इसे आप यहाँ संदेश विधानसभा क्षेत्र में? श्वेता सिंह है। आखिर क्यों? वो बहुत बढ़िया प्रतिनिधि हैं, सबको की बात सुनते हैं, जनता की बात मानती हैं, और जब भी बुलाने पर चली आती हैं। और लोग पहले जो यहाँ पर करते थे शासन, उन्होंने नहीं किया कुछ विकास? जैसे विकास हुआ, लेकिन जितना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ। ये लोग आज ये अच्छा प्रत्याशी हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन चाहते जी? परिवर्तन चाहते हैं, संदेश परिवर्तन होना चाहिए। और मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं रूप में? नीतीश कुमार तो ठीक है नहीं, मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और यहाँ के विधायक के तौर पर आप श्वेता सिंह के? मतलब कि उन्हें उम्मीदवार मानते हैं आप लोग? जी हम लोग उम्मीदवार मानते हैं। यानी विकास होगा या फिर नहीं? विकास तो होगा, विकास श्वेता सिंह आए तो विकास होगा, विकास होगा करेगा। यानी आपको लगता है कि वो आएंगे तो विकास होगा? हाँ हाँ होगा, विकास होगा। ठीक, क्या नाम आपका? रोहित राज। तो यहाँ देखिए रोहित राज जो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि लोग जो हैं वो श्वेता सिंह का नाम पहले ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है कि क्षेत्र में वो लगातार जनता के बीच में पहुँची हों, और ये हम जनता की राय खुलेआम ले रहे हैं और बीच सड़क पर चलते फिरते ले रहे हैं, जो हमें मिलेगा जिससे हम पूछेंगे वो बता रहा है कि यहाँ के लिए जो विधायक के प्रतिनिधि होना चाहिए वो श्वेता सिंह होनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में कौन होगा मुख्यमंत्री और किसे यहाँ के लोग विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, हम बात करते हैं यहाँ के कुछ, देखिए आप हमारे पीछे कुछ सीनियर मोस्ट भी हैं, युवा भी हैं और बीच उम्र के भी लोग हैं। तो सबसे पहले हम युवा से शुरुआत करते हैं कि उन्हें क्या परिवर्तन चाहिए और किसे वो विधायक के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, बताइए किसे आप विधायक के रूप में यहाँ? हम लोग श्वेता सिंह के देखना चाहते हैं। क्यों आखिर श्वेता सिंह यहाँ से? इसलिए कि हम लोग के क्षेत्र में कोई विकास ही नहीं हुआ है, मतलब जो पहले प्रतिनिधि थे उन्हें कुछ विकास नहीं हुआ है। हमारा जमुआव पंचायत मतलब घर हुआ जमुआव में, किस तरीके का विकास चाहते हैं? ना रोड बना, ना नाला बना, ना गली बना, कुछ नहीं हुआ, ना शिक्षा का वही हाल है। ब्लॉक में आते हैं तो ब्लॉक का वही हाल है। आज हम आधार कार्ड बनाने आए हैं 5 गो को लेकर, किसी को नहीं बना आधार कार्ड। यानी आप चाहते हैं कि यहाँ परिवर्तन हो? हाँ परिवर्तन हो यहाँ पे। मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखते हैं इस बार? मुख्यमंत्री नीतीश जी ठीक है, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री? हाँ ठीक है, लेकिन कई लोगों ने तो नीतीश कुमार का विरोध शुरू कर दिया। तो विरोध है जो पार्टी होगा तो मतलब कर लगता है कि अभी उनके जगह पर कोई दूसरा है या नहीं है? ना अभी नीतीश कुमार जी ठीक है, ठीक है। हम लोग का विधायक में हम लोग का नया चेहरा देखना चाहते हैं, वो भी श्वेता सिंह जी को नया है। हम लोग गरीब के गाँव गाँव पर जाकर मतलब मिल रही है, भेंट कर रही है, आवाज़ उठा रही है, बातों को रखती है। हाँ बातों को रखते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी हुआ, 5 नंबर वार्ड सदस्य का मैं सचिव हूँ जमगांव में। तो ये थे एक वार्ड सचिव हैं धर्मेंद्र कुमार चौधरी, जिन्होंने बताया कि संदेश विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर श्वेता सिंह को विधायक के रूप में देखते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को। बाबा कुछ बताइएगा, कुछ बताइएगा, विधानसभा चुनाव है तो हम लोग तो यही चाहेंगे जो विकासशील हो कैंडिडेट उसको तो भेजना ही है। कौन से यहाँ से लगता है कि प्रतिनिधि विकास करेगा आपके हिसाब से, कौन होना चाहिए? ऐसा तो नीतीश जी का है, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं अभी है ना, लेकिन संदेश विधानसभा क्षेत्र में विधायक के तौर पर आप किसे अपना? ऐसे नया में तो श्वेता सिंह है, यानी नया में श्वेता सिंह है, लगता है कि वो विकास करेंगे आपको, यानी यहाँ परिवर्तन लगता है कि आएगा? क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम जगन्नाथ दास। ठीक, ये बताइए कि क्या परिवर्तन चाहते हैं आप यहाँ के राजनीतिक दलों के द्वारा, नेताओं के द्वारा? जो आप तो काफ़ी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा, नेताओं के भाषण भी देखा होगा, आश्वासन भी देखा होगा, अब क्या आप चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में परिवर्तन हो ताकि आने वाले पीढ़ी को कुछ नया मिले? और तो यही चाहिए जो शिक्षा पर ध्यान हो, गाँव के भी विकास हो, नदी गली नला का विकास हो, यानी शिक्षा का उच्चारण है, शिक्षा तो एकदम, स्वास्थ्य भी, स्वास्थ्य भी, यानी सब चीज़ आप चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो, परिवर्तन तो ये सब चीज़ें आप लोग अपनी बातों को रख रहे हैं जी। तो ये देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं जो संदेश विधानसभा क्षेत्र के, इन्होंने कहा कि कोई भी हो लेकिन सबसे बड़ा बात है शिक्षा, प्राथमिकता इन्होंने दिया, क्योंकि शिक्षा में जब परिवर्तन होता है तो सब कुछ परिवर्तित होता है, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा समाज भी शिक्षित नहीं होगा।
विधानसभा क्षेत्र के चाय पर चर्चा आपने हमने दिखलाया आपको, लोगों की राय दिखलाया, सड़कों पर जो लोगों का विचार वो भी बतलाया, बुजुर्गों का क्या कहना है वो भी हमने दिखलाया, क्योंकि वो ही यहाँ के सबसे बड़े स्तंभ है, क्योंकि उन्होंने कई विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो सब उन्होंने देखा है। कुछ लोगों को तो हम ऐसे ऐसे दिखलाए कि जिनका उम्र 70 साल से भी अधिक हो, उन्होंने भी इस बार सत्ता में परिवर्तन की बात कही है। आइए हम बात करते हैं, संदेश विधानसभा क्षेत्र के एक किराना दुकान पर पहुंचे हुए हैं, जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरीके का परिवर्तन चाहते हैं आप अपने क्षेत्र में? हम तो चाहते हैं कि पूरा मेरा यहाँ पर जो भाजपा की सरकार बने एक कक्ष जी, और हमारे क्षेत्र से हम लोग भाजपा के पंचायत अध्यक्ष हैं जी, तो हम लोग चाहेंगे कि इतना हम लोग मेहनत किए हैं, अब मेहनत करते हुए अगर दूसरा कोई इस सीट पर आए तो हम लोग काम करना बंद कर देंगे। यानी आप चाहते हैं किसे यहाँ से उम्मीदवार के तौर पर? भाजपा से कोई भी उम्मीदवार आएगा हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे। यदि भाजपा से कोई उम्मीदवार नहीं आता तो क्या करेंगे? नहीं तो नहीं सपोर्ट करेंगे, सब नोटा में वोट डलवा देंगे। यानी इस बार परिवर्तन चाहते हैं आप लोग? जी परिवर्तन चाहते हैं। जो पहले के यहाँ जो बिल्लू कार्य विधायक थे उन्होंने वो तो बहुत अच्छा, जो नेक्स्ट में वो तो यहाँ पर कोई काम नहीं किए हैं, वो तो बलात्कार केस में फंस गया, फंसने के बाद में दिखाई दिया कि कहाँ रहता है वो। यानी इस बार परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। तो संदेश विधानसभा क्षेत्र के बाजार पर गए, किराना दुकान पर गए, चाय दुकानदार के पास भी गए, अभी हम जो अलंकार जो स्वर्णकार हैं उनके दुकान पर आए हैं, जो सोना के खरीदारी करने के लोग आए, कुछ लोग आए, हम यहाँ से भी कुछ लोगों की राय लेते हैं। पहले दुकानदार से ही राय लेते हैं कि सर ये बताया जाए, विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, सत्ता में इस बार क्या चाहते हैं? सत्ता में हम लोग चाहते हैं कि भाजपा आए। क्यों भाजपा आए? भाजपा विकास कर रहा है, पूरे भारत में विकास कर रहा है भाजपा। संदेश विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है? हाँ, यहाँ भी श्वेता सिंह को हम लोग चाहते हैं कि उनको टिकट मिले और उनको हम लोग जितवाएं। आखिर श्वेता सिंह क्यों भाजपा में? हम लोग हर तरह हर मौसम में काम करते हैं, हर समय में काम करते हैं, जब बुलाते हैं तब हम लोग के दरवाजे पर आ जाते हैं, चले जाते हैं, जितना भी काम करना रहता है वो कर देते हैं। तो वर्तमान जो विधायक थे जो उन्होंने वो तो 5 साल से जीत के गए तो आए ही नहीं, अभी तक हम लोगों को तो देखा ही नहीं, चेहरे नहीं देखे, और कौन कौन केस में फंसे हुए हैं, उस तरह के विधायक तो हम लोग को चाहिए नहीं। यानी इस बार संदेश विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन होना है? जी परिवर्तन होना है, हम लोग को भाजपा के कैंडिडेट चाहिए, हम उन्हीं लोगों को वोट देंगे, कोई भी दूसरा कैंडिडेट आएगा उसको वोट नहीं देंगे, भाजपा को देंगे केवल, और श्वेता सिंह को देंगे। उस तरीके का काम नहीं किया है, और भी कुछ एक लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, हम उनसे भी पूछेंगे। सर आप किसे इस बार विधायक के तौर पर देखना चाहते हैं? हम लोग भाजपा कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं, जिसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता श्वेता सिंह को हम लोग देना चाहते हैं, इसलिए कि श्वेता सिंह हर दुख सुख में और इस क्षेत्र के दौरा करते हैं और हर समस्या को भी हल करते हैं। जो वर्तमान विधायक थे वो उसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं सर? हाँ, हम लोग विकास परिवर्तन देखना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन हम लोग विकास देखना चाहते हैं कि गरीबों के हित में जो कार्य करे उस तरह का हम विकास देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण रजक मेरा नाम है। तो ये अरुण रजक जी थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर विकास बदलाव होना चाहिए, कई लोग हैं, आपको क्या लगता है संदेश विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का कॉन्टेक्ट चाहिए? क्यों भाजपा का ही होना चाहिए? वहाँ हर वक्त मरे में कुछ में भी आते जाते हैं वो। तो अभी जो वर्तमान जो विधायक थे यहाँ के संदेश से वो क्या नहीं आते जाते? नहीं वो आते जाते नहीं है। अभी किसे आप विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? अभी श्वेता सिंह। श्वेता सिंह क्यों? भाजपा में तो कई लोग हैं। हाँ? भाजपा में तो कई लोग हैं, तो श्वेता सिंह क्यों? श्वेता सिंह के हम लोग चाहते हैं कि इसलिए कि वो लोग जब भी कोई भी खबर गरीबों के पक्ष में आता है वो आ जाते हैं। तो यानी श्वेता सिंह को प्राथमिकता? हाँ हाँ। नाम बताइए अपना। मदन यादव। तो ये थे मदन जी, इन्होंने बताया कि संदेश विधानसभा क्षेत्र में कोई आए भाजपा का उम्मीदवार होना चाहिए। आपको कुछ कहना बाबा? मुझे भाजपा का कैंडिडेट चाहिए और उसमें श्वेता सिंह को, चूँकि हर मौके पर हर दलित पिछड़ा हर एफ ग्रुप चाहे बी ग्रुप के यहाँ जो भी दुख सुख होता है उसमें बराबर ही भाग लेती हैं, और वैसे कैंडिडेट हम लोगों को संदेश के चाहिए, वह भाजपा को चाहिए। यदि भाजपा का सीट यहाँ नहीं मिलता है तो हम लोग दूसरे कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। और ठीक नाम बताए अपना? केश चंद्र चौधरी। चाहिए तो भाजपा के हम लोग हैं,
हम लोग भाजपा के ही वोट देंगे, हमारे नेता स्वच्छता से नहीं रहेंगे, इसलिए भाजपा को देंगे कि हम लोग के क्षेत्र में बिजली पानी सड़क सब कुछ ही दिया है एनडीए के सरकार, इसलिए हम लोग भाजपा के उम्मीदवार हैं। हम लोग स्वेते जी के वोट देंगे या नहीं तो नहीं देंगे। ठीक, नाम बताइए। हरिशंकर चौधरी। बस लोगों का एक ही सुर में सुर है कि यहाँ संदेश विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का उम्मीदवार कोई भी होना चाहिए, लेकिन उसमें सब लोगों का ये पहला प्राथमिकता है कि श्वेता सिंह यहाँ से उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि वो हर दुख सुख में यहाँ के लोगों के बीच पहुँचती हैं। हम अभी संदेश विधानसभा क्षेत्र के दवा दुकान पर यहाँ उपस्थित, कई लोग यहाँ दवा खरीदने के लिए भी आए हैं, उनसे भी पूछेंगे। पहले सबसे पहले हम दवा दुकानदार से पूछते हैं कि संदेश विधानसभा क्षेत्र में सत्ता में किसे बुलाना चाहते हैं? श्वेता सिंह। आखिर क्यों आप श्वेता सिंह के बारे में? क्योंकि जुझारू नेता हैं, कर्मठ उम्मीदवार हैं वो, हम लोग इतना दिनों से जंगल रात झेल रहे हैं, इसलिए हम लोग कर्मठ उम्मीदवार को ही हम लोग वोट देना पसंद करेंगे। यानी इस बार परिवर्तन आप चाहते हैं? जी। मुख्यमंत्री के तौर पर किसे बिहार में परिवर्तन चाहते हैं? नीतीश कुमार। यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री? जी 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 जी। क्या नाम है आपका? राधा कृष्ण शर्मा। तो ये थे राधा कृष्ण शर्मा जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं और भी यहाँ। हाँ बाबा, ये बताए आप, छोड़ दीजिए, बताइए किसको आप यहाँ विधायक? सकाडी के श्वेता सिंह। क्यों? हमने के क्षेत्रीय नेता हैं, हम लोग के दुख सुख में हमेशा आते हैं, तो हम लोग को ऐसा ही ना कर्मठ नेता चाहिए, दोसर के दे दीजिए कि आए ना करेगा, अपन अपन घरे रहेगा, बैठल पार्लियामेंट में उन्हें संसद में बैठे रहेगा, हमने के कोनो कामे ना होगा। कैसा दुख सुख में साथ देती है? हर समय नहर में पानी दिवाएगा, हमने के सब काम करेगा, आपका करेगा। यानी लगता है कि श्वेता सिंह आएंगे तो परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन ही आएगा, नहीं आएंगे तो निर्दलीय खड़ा होंगे। हम लोग उनके वोटवे देंगे, हम लोग दूसरा दूसरा के वोट नहीं देंगे। ठीक है, नाम बताइए। निरंजन ओझा, ग्राम फुलारी। ठीक है, तो ये थे निरंजन ओझा जी, इन्होंने बताया कि एकदम खुल के कि निर्दलीय देंगे, किसी को देंगे या नहीं देंगे, लेकिन देंगे तो श्वेता सिंह। और बताइए सर, आपका? देखिए सर, यहाँ अभी तक जो भी विधायक रहे हैं वो राजतंत्र लाते हैं, विधायक जनप्रतिनिधि होना चाहिए विधायक को, और यहाँ के विधायक राजा बन जाते हैं, दरबार लगाते हैं। हम लोग को दरबारी विधायक नहीं चाहिए, हम लोग को विधायक चाहिए कि हमारे घर में आए, हमेशा आए, हमारे सामने आए, और श्वेता सिंह आती है, हम लोग के साथ रहती है। तो कई लोग यहाँ उम्मीदवार अपना दावेदार? देखिए अभी उम्मीदवार तो बहुत लोग हैं, लेकिन यहाँ हम लोग का प्राथमिकता उसी को है कि हम लोग श्वेता सिंह को वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी से आए, चाहे निर्दलीय आए, किसी से आए। किसी से आए बस उसी को वोट मिलेगा। ठीक है, नाम बताइए। योगेंद्र ओझा। ये थे ओझा जी, जिन्होंने बताया कि किसी से भी आए, यदि बीजेपी से मिलता तो ठीक है, सपोर्ट रहेगा, निर्दलीय रहेंगे तो भी सपोर्ट रहेगा। आप क्या कहेंगे सर? जयराम सिंह हमारा घर है, मैं तो नाम है, घर है पूरा। मैं श्वेता सिंह को स्वीकार करता हूँ, चाहे जिस रूप में आए, निर्दलीय आए, पार्टी से आए, भूमिगत नेता हैं। किस तरीके लोगों ने कहा कि परिवर्तन चाहिए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों के घर भरे या ना भरे, नेताओं की झोली जरूर भर जाता है, तो परिवर्तन के लिए इन्होंने श्वेता सिंह को कह रहे हैं? लगता है कि परिवर्तन है? बिल्कुल, परिवर्तन जरूरी है ना, संदेश के लिए परिवर्तन जरूरी। किस तरीके का परिवर्तन चाहते हैं? इसलिए कि नली गली रोड सब हम लोग तरसते हैं। आज हाई नेशनल बना हुआ है, लेकिन लोकल क्षेत्र में कहीं रोड नहीं बना है, कहीं नली नहीं बना है। नीतीश बाबू नल जल दिए हैं तो कहीं पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन लोकल रहेंगे तो हम लोग को व्यवस्था देंगे। यानी आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल, परिवर्तन चाहते हैं। अरे भाजपा के उम्मीदवार श्वेता सिंह को समर्थन देने के लिए हम लोग तैयार हैं दल बल के साथ। क्यों? क्यों? अरे वो ऐसा उम्मीदवार जो महिला प्रकोष्ठ के अभी संभाल रही है, पूरे इलाके में अपने घूम घूम करके प्रचार नहीं कर रही है, लेकिन जनता जनार्दन के हर दुख सुख में भागी है। तो कई लोग उम्मीदवार के तौर पर हैं यहाँ पर सब बीजेपी से, यदि नहीं मिलता तो क्या श्वेता सिंह के लिए सपोर्ट करेंगे आप लोग? एकदम सपोर्ट करेंगे। यानी पूरी तरीके क्या चाहते हैं यदि परिवर्तन में आप? परिवर्तन में चाहते हैं कि 5 साल से दे करके अंडरग्राउंड हो गए हैं, अब तो कहना नहीं चाहिए, नहीं तो इस मुख्यमंत्री को चाहिए था ना कि कोई भी हो अंडरग्राउंड रहेगा तो अंडरग्राउंड से नहीं निकलेगा हैं, तो फिर हम लोग वही भाजपा को छोड़ करके चले हम लोग राजद में। यानी इस बार सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, एकदम परिवर्तन चाहते हैं। तो संदेश विधानसभा क्षेत्र के जनता की राय आपने सुना, किसे यहाँ वो सत्ता में लाना चाहते हैं और क्यों लाना चाहते हैं, और बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार पर लोगों का राय है और कुछ लोगों का कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन संदेश विधानसभा क्षेत्र में बतौर
विधायक उम्मीदवार के तौर पर वो श्वेता सिंह के रूप में देखते हैं, क्योंकि यदि वो बीजेपी से आती हैं तो ठीक है, यदि बीजेपी से नहीं आती है, निर्दलीय आती हैं, तो भी यहाँ के लोगों का समर्थन उनके प्रति कुछ ज़्यादा ही है। उनका कहना है कि हर दुख सुख में साथ देती हैं श्वेता सिंह, तो इस बार उनका उम्मीदवार भी श्वेता सिंह होगा।